हेलो फ्रेंड्स, दुनिया भर में कई ऐसी जगह है जो रहस्य से भरी पड़ी है। इनमें से कई जगहों के रहस्य को साइंटिस्ट ने भी आज तक जरा भी सुलझा नहीं पाए हैं, जबकि कई जगहों के रहस्य को आंशिक रूप से सुलझा सके हैं। हालांकि अंतिम नतीजे पर पहुंचने के लिए अभी भी रिसर्च जारी है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे दुनिया के ऐसे ही कुछ जगह और खोज के बारे में जो आज भी एक रहस्य है। तो फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नंबर वन, माउंट रोरेमा। अगर ये जगह के बारे में बात किया जाए तो ये जगह पृथ्वी पर बहुत ही अलग है, जो देखने में जॉनी टू मूवी सेट जैसी लगती है। इस ऊंचे पहाड़ का अपना अलग ही एक इकोसिस्टम है, जहां बाकी दुनिया से अलग प्रजाति के पौधे और जीव पाए जाते हैं। यहां स्थित वाटरफॉल दुनिया की सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल में से एक है। इस माउंटेन को 2 बिलियन साल पुराना बताया जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत पहाड़ के मूवी और नॉवेल्स का हिस्सा बना है। 2009 की फिक्सर एनिमेटेड मूवी अप और 1992 की नोवेल लास्ट वर्ल्ड में इस पहाड़ की झलक देखने को मिलती है। दोस्तों, कि आपको भी इस जगह पर जाना चाहोगे कमेंट में जरूर बताएं। नंबर टू, राम सेतु। राम सेतु या राम ब्रिज तमिलनाडु के पाम्बन आइलैंड को श्रीलंका के मैनर आइलैंड से जोड़ता है। साइंटिस्ट की रिसर्च के मुताबिक ये एक नेचुरल ब्रिज है और हिंदू मान्यता के मुताबिक श्री राम ने हनुमान और वानर सेना के साथ मिलकर इस पुल को तैयार किए थे। 5000 बीसी पूर्व हुई इस घटना के बाद अभी भी इस ब्रिज को देखा जा सकता है, जिस वजह से राम सेतु अभी भी चर्चा का विषय है। और कई लोगों का मानना यह है कि 15th सेंचुरी तक इस ब्रिज से चलकर श्रीलंका तक लोग जाते थे। राम सेतु मार्ग पानी के अंदर बना है, जिस वजह से भारत से जाने वाले जहाजों को घूमकर श्रीलंका तक जाना पड़ता है। हिंदू ग्रंथों के मुताबिक राम सेतु तेतु ही पत्थरों से बनाया गया है, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि ऐसे कई पत्थरों को कई बार खोजा भी जा चुका है। आपका इस बारे में क्या मानना है कमेंट में जरूर बताएं। नंबर थ्री, मैग्नेटिक हिल। अगर आपको लंबे सफर पर जाना और पहाड़ों को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है तो भारत में स्थित लद्दाख आपके लिए सही है। इस जगह हर साल हजारों बाइकर्स राइडिंग के लिए आते हैं, और लद्दाख में स्थित मैग्नेटिक हिल राइडर्स के लिए बहुत ही पॉपुलर जगह है, क्योंकि इस जगह खड़े वाहन अपने आप चलने लगते हैं। ये मैग्नेटिक हिल श्रीनगर और लेह हाईवे के बीच में स्थित है। इस जगह की ताकत को देखने के लिए आप अपने किसी भी वाहन को रोक दीजिए और आप देखेंगे कि आपकी वाहन बिना किसी एफर्ट के चलने लगेगी, वो भी 12.5 मील प्रति घंटा की रफ्तार से। तो फ्रेंड्स, अगर आप कभी लद्दाख जाए तो इस जगह को जरूर एक्सप्लोर करना। नंबर फोर, सी स्प्लिट इंटू टू। केरला को 2018 में बहुत ही मुश्किल हालातों में गुजरना पड़ा, जब भारी वर्षा के बाद खतरनाक बाढ़ का सामना लोगों को करना पड़ा, जिसने पूरे केरला को तहस नहस कर दिया और इसमें हजारों लोगों की जान भी गई थी। लेकिन उसके बाद समुद्र के बीच जो हुआ उसे देखकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि समुद्र के बीचों बीच एक नया आइलैंड उभर कर आया। रेत से बनी ये रास्ता आधे किलोमीटर का था, जिसने समुद्र को दो हिस्सों में बांट दिया, और ये एक नेचुरल घटना थी जिसने सभी लोगों को हैरान कर दिया था। इस जगह ने कई लोकल्स और कई टूरिस्ट का भी ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। लेकिन साइंटिस्ट का मानना यह है कि जिस तरह से ये जगह बनी है उसी तरह से समुद्र की लहरों के साथ ये जगह पानी में समा सकती है। लेकिन अभी भी ये एक सवाल है कि इस स्ट्रक्चर का निर्माण आखिर कैसे हुआ। नंबर फाइव, ब्लड फॉल्स। अंटार्कटिका ग्लेशियर पर जमी बर्फ में एक जगह ऐसे भी है जहाँ लाल रंग का झरना बहता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि इस झरने से खून बह रहा है। हालांकि साइंटिस्ट ने इस जगह पर कई रिसर्च किए लेकिन कोई निश्चित नतीजा नहीं निकाल पाए। उनका एक अनुमान यह है कि इस जगह बर्फ के नीचे शायद लौह तत्व की मात्रा ज्यादा है, जो कि पानी को लाल रंग करते हैं। हालांकि ये लाल झरना अभी भी एक रहस्य है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन के ऊपर प्रेस करके ऑल के ऊपर सिलेक्ट कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।